नमस्कार दोस्तों वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे अंडरस्टैंड करेंगे कि जो आज बाउंस बैक आया है क्या ये टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे या फिर हम ग्यारह तीन सौ की तरफ बढ़ेंगे और नया एक और नया स्विंग हाइक बनाएंगे अराउंड एलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का तो चलते हैं जल्दी से ऑप्शन चेन डाटा पे देखते हैं और समझते हैं फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एन की वेबसाइट पे जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले देख सकते हो आज की क्लोजिंग 203 पॉइंट निफ्टी चढ़ के बंद हुआ है और ग्यारह हज़ार के ऊपर जाके क्लोज हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था अलेवन थाउजेंड उसके ऊपर क्लोज हुआ है जैसे कि कल जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा तो उनको मैंने क्लियरली इंडिकेट किया था कि मार्केट बाउंस बैक कर सकता है क्योंकि अब मार्केट सपोर्ट पर आ गया है निफ्टी पे करीब टू हंड्रेड डे मूविंग एवरेज के पास निफ्टी ऑलरेडी आ गया था कल के दिन में ऑलमोस्ट पंद्रह पॉइंट से वो मिस हुआ था तो जो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग थी वो काफ़ी अच्छी हो चुकी थी तो बाउंस बैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे तो कल का वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा डेफिनेटली आज उन्होंने कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर कमाया होगा क्योंकि जब आपको पहले से रियलाइजेशन रहता है कि मार्केट इस लेवल से बाउंस कर सकता है तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहते हो नहीं तो फिर आप उस चीज़ को मिस कर देते हो अगर हम आज के ऑप्शन चेन डाटा पर देखें तो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लेवल है वो ग्यारह हज़ार है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज ही के दिन में सेवेंटीन लैख एट्टी फाइव थाउजेंड का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया है कितना थर्टी टू लैख नाइन्टी टू थाउजेंड का ओपन इंटरेस्ट टोटल खड़ा है यहाँ पर और ग्यारह हज़ार की जो कॉल है वहाँ पर उठ पर आपको क्लियरली थर्टी टू नाइन्टी नाइन्टी टू थाउजेंड का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है और कॉल पर क्या है जितने बने थे कल आज के दिन में कटते हुए दिखाई दिए हैं और सिर्फ 12 का ओपन इंटरेस्ट रह गया है इवन सौ पे भी आप देख सकते हो कि नौ लाख चौबीस हज़ार का ओपन इंटरेस्ट कम होता है इवन ग्यारह दो सौ पे भी फाइव लैख एट्टी फाइव थाउजेंड का ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ दिखाई दिया है तो कहीं ना कहीं जो मार्केट में ये जो रिवर्सल आया है स्ट्रॉन्ग इसकी वजह से ये ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ दिखाई दिया क्योंकि अगर 200 पॉइंट निफ्टी एक दिन में चल जाएगा तो ऑप्शन के प्रीमियम बहुत तेज़ी से जंप हो जाते हैं आप देख रहे हो तो ये मतलब तो जो कॉल थी ये थर्टी फोर पहुँच गई ग्यारह हज़ार की सेवेंटी वन पहुँच गई तो किसी ने सेल करी थी वो इतने हायर प्राइस पे सेल नहीं करी होगी तो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए जो कि ज़्यादा लॉस करा सकते हैं इसीलिए लोगों ने अपनी पोजिशन स्क्वायर ऑफ करना पसंद किया है वहीं अगर हम पुट राइटिंग में देखें तो ग्यारह हज़ार सौ पर भी आपको दिख रहा है कि करीब सात लाख पंद्रह हज़ार का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ग्यारह हज़ार सौ पे हम होल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं अगर ऊपर इसके निकल गया ग्यारह दो सौ पे अभी कोई पुट राइटिंग नहीं है तो क्लियरली समझ लीजिए कि ऊपर की तरफ से यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है ग्यारह हज़ार दो सौ के पास पे अब देखेंगे हम कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या ऊपर जाके ग्यारह दो सौ के पास जाके निफ्टी टिकता है या नहीं टिकता है चार्ट को समझ लेते हैं कि चार्ट पे जैसा कि कल के दिन में मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए थे वो आपके काम आए होंगे क्लियरली यहाँ पे मैंने निफ्टी में बोला था कि 200 हंड्रेड डे मूविंग एवरेज का ऑलमोस्ट जो टारगेट था कल पूरा अचीव हो चुका था क्योंकि कल मैंने अपनी फाइनली प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी सारी और रिवर्सल के लिए वेट किया था तो आज के दिन ये रिवर्सल आया काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था मतलब हालांकि इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल पाया क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी कि आज ही के दिन निफ्टी ग्यारह हज़ार के पार निकल जाएगा तो कहीं ना कहीं 80 85 पॉइंट्स में यहाँ पे एग्जिट ले लिया मैंने और फिर दोबारा री एंटर नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा मेरे को बैंक निफ्टी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा था जितना निफ्टी था आप देख रहे हो कि निफ्टी कंटिन्यूसली ये मतलब ऊपर की तरफ चलता जा रहा था लेकिन बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे बार बार सेलिंग आ रही थी आप देख रहे हो यहाँ तक गया ये फिर सेलिंग आ गई फिर ये ऊपर गया फिर सेलिंग आ गई फिर ऊपर गया फिर सेलिंग आ गई तो इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप नहीं मिल रहा था ऐसा लग रहा था कि मार्केट थोड़ा सा मतलब और प्रॉफिट वर्किंग दिखा सकता है इसलिए कम प्रॉफिट में ही यहाँ पर पोजिशन स्क्वायरऑफ करनी पड़ गई लेकिन क्लियरली आप ये देख रहे हो कि यहीं से बैंक निफ्टी फिर पलटा है तो अब एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो रही है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्लियरली आप ये देख रहे हो कि इस चैनल को इसने यहाँ पे फर्स्ट टाइम टेस्ट किया सेकंड टाइम टेस्ट किया थर्ड टाइम टेस्ट करके अब ये रिवर्सल दिखा रहा है तो अगर ये इक्कीस आठ के ऊपर बैंक निफ्टी होल्ड कर जाता है पहली बात तो ये जो रिवर्सल आया है वो इवेंट बेस रिवर्सल है इस चीज़ को भी ध्यान रखिए क्यों है ये इवेंट बेस क्योंकि परसों आर की क्रेडिट पॉलिसी है और क्रेडिट पॉलिसी से पहले बैंक निफ्टी में एक मूव बन जाता है तो उस एक्सपेक्टेशन में ये मोमेंट आया है और ये मोमेंट हो सकता है कल के दिन भी एक्सटेंड रहे तो आपको करना क्या है इक्कीस निकल जाता है, और उसके टिका रहता है तो ये थोड़ी सी रिस्की ट्रेड है बट मैं फिर भी देना चाहता हूँ तो इसमें आप आ, करीब करीब अगस्त के मंथ की एंड की आप कॉल ले सकते हो बाईस हजार की और जो उसका टारगेट होगा वो होगा करीब तेईस पाँच सौ का अगर बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली इक्कीस आठ सौ के ऊपर ट्रेड करता रहता है तो उसको आपको होल्ड करना पड़ेगा तीन चार दिन होल्ड करना पड़ेगा इवन आप चार पाँच दिन उसको होल्ड करिएगा और जब बैंक निफ्टी इक्कीस पाँच सौ पे आ जाता है तब आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा और उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आप ये क्लियरली समझ लीजिए कि दोबारा से अगर बैंक निफ्टी इक्कीस आठ सौ के नीचे चला जाता है इक्कीस आठ सौ मत मानिए आप इक्कीस पाँच सौ चलिए इक्कीस पाँच सौ के नीचे चला जाता है तो आप आप उसमें से अपना जो भी लॉस है उसको बुक कर लीजिएगा अपनी पोजीशन को ऑफ कर दीजिएगा या फिर आप लेवल समझ लीजिए कि इक्कीस आठ सौ के ऊपर निकल जाता है तो इक्कीस आठ सौ के नीचे आ जा जाए तो अपनी जो पोजिशन है उसमें से आप अपनी पोजिशन को स्क्वायर ऑफ़ कर लीजिएगा ऐसा आप कर सकते हो थोड़ी सी रिस्की ट्रेड है लेकिन अगर मोमेंटम बन गया अगर आर की क्रेडिट पॉलिसी में कुछ भी नेगेटिव नहीं आता है और बैंक निफ्टी ऊपर टिक जाता है इक्कीस आठ के तो आपको एक अच्छा मोमेंट मिल सकता है इवन हज़ार दो पंद्रह पॉइंट का वो कि काफी अच्छा गेन दे सकती है तो इस पर्टिकुलर ट्रेड पे फोकस रखिएगा कल के दिन नहीं लेनी है ये लेनी है आपको या तो क्रेडिट पॉलिसी हो जाए तब ले लीजिए या फिर इक्कीस आठ के ऊपर बैंक निफ्टी कामकाज करने लग जाए तब आप ले सकते हो और फिर आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इक्कीस आठ सौ ही होगा इक्कीस आठ सौ के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाए तो उस पर्टिकुलर ऑप्शन में से निकल जाइएगा अपना लॉस बुक कर लीजिएगा क्लियरली है लेकिन इसके लिए मेरे को कोई व्हाट्सअप नहीं करेगा कोई कॉल नहीं करेगा कि निकल गया है ख़रीद लें नहीं खरीद लें ये सिर्फ रिकोमेंडेशनस है आपको फॉलो करनी है करिए नहीं करनी है मत करिए अपनी एनालिसिस खुद करिए ताकि आप चीज़ों को समझ सको अंडरस्टैंड कर सको और अपना प्रॉफिट अच्छा ले सको रिकमेंड मैंने ग्यारह हज़ार की पुट भी करी थी इवन मैंने अपनी पोजीशन भी दिखाई थी कि मैंने एक पोजीशन बनाई है ग्यारह हज़ार की पुट लेके उसमें मैंने प्रॉफिट भी बुक किया लेकिन उसके बाद भी लोग मेरे को कंटिन्यूसली फोन कर रहे थे अरे ग्यारह हज़ार की पुट ले लें इवन आज भी कर रहे थे कि मार्केट ऊपर बाउंस किया है तो क्या ग्यारह हज़ार की पुट मैं दोबारा खरीद लूँ अरे ऐसा थोड़ी नहीं होता है आपने जो फॉल था उसको मिस कर दिया अब दोबारा अगर आप पुट खरीदोगे तो आपको लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अब आप वेट करिए जब मार्केट ऊपर जाके रिवर्सल दिखाएगा तब हम पुट दोबारा खरीदेंगे लेकिन फिलहाल अभी यहाँ से मार्केट ने नीचे से ऊपर रिवर्सल दिखाया है तो ऊपर के चांसेस ज्यादा हैं जाने के क्योंकि अभी मार्केट कंटिन्यूसली देखो आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि होता क्या है कि ओवर द एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट कंटिन्यूसली क्यों बना पाते हैं और जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो अपना प्रॉफ़िट क्यों नहीं कंटिन्यूसली बना पाते हैं इसके पीछे का दो रीज़न होते हैं जो रिटेल ट्रेडर होता है ज़्यादातर जो नॉर्मल ट्रेडिंग करता है वो सबसे पहला काम पता है क्या करता है वो सबसे पहला काम करता है अपने प्रॉफिट पे जो कैप है ना वो लगा देता है यानी उसको अगर दिन में हज़ार रुपये मिल जाए पंद्रह सौ रुपये मिल जाए तो उसमें वो सेटिस्फाइड है और वो उस चीज़ के लिए मार्केट को चेस करता है जैसे उसको 1500 सौ दो हज़ार देख रहे होते हैं वो स्क्रीन में प्रॉफिट बुक कर लेता है भले वो ट्रेड उसको पंद्रह हज़ार रुपये दे सकती थी लेकिन किया क्या उसने उस ट्रेड में सिर्फ पंद्रह सौ रुपये या दो हज़ार रुपये बुक कर लिए लेकिन लॉस के केस में क्या करता है वो लॉस के केस में वो उसमें बना रहता है क्योंकि उसको ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि मेरे को अपने लॉस पे कैप लगाना है ना कि प्रॉफिट पे कैप लगाना है वो अपने लॉस को तो ओपन रखता है लेकिन प्रॉफिट पे कैप लगा देता है जिसकी वजह से उसको बड़े लॉसेस होते रहते हैं और कंटिन्यूसली वो जो थोड़ा बहुत पैसा मार्केट से कमाता है वो एक दो ट्रेड में ही वापस मार्केट में डाल देता है इवन घर से और डाल देता है पहली चीज़ दूसरी चीज़ है कि हमेशा याद रखिए जब मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव होता है तो आपको पॉजिटिव साइड ज़्यादा काम करना चाहिए नेगेटिव साइड कम काम करना चाहिए इसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि जब पॉजिटिव मोमेंटम बनता है तो वो छः सात दिन तक चलेगा लेकिन नेगेटिव मोमेंट सिर्फ दो या तीन दिन के लिए ही चलेगा अब आप देख सकते हो कि आप देख सकते हो यहाँ से रिवर्सल आया है यहाँ से रिवर्सल आया तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जब हमारा लो बना था बैंक निफ्टी का साढ़े सात हजार का तो वहाँ से निफ्टी कहाँ तक चला गया था तो नौ हजार से नौ हजार से नेगेटिव ट्रेंड में कितना आया ये इसने जो करेक्शन दिखाया आठ हज़ार का एक दो तीन चार दिन ट्रेड किया फिर ये ऊपर चला गया ठीक है फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन आया फिर ऊपर चला गया फिर यहाँ पे ये करेक्शन आया जिसमें मार्केट ने कंसोलिडेट किया लेकिन आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट कहाँ पे था मई के महीने में निफ्टी 9,500 से था और गया कहाँ तक सिर्फ 8,800 तक लेकिन जैसी पॉजिटिव मोमेंटम आया तो आप देख रहे हो 10,200 तक इसने चार पाँच दिन में ही रैली कर दी थी फिर यहाँ पे मार्केट का थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड आया कंसोलिट किया फिर इसने जम्प किया एक नया हाई बना दिया तो हो क्या रहा है मार्केट हायर हाई हायर लो बना रहा है कंटिन्यूसली इसने अभी तक ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशन दिए ही नहीं है अभी तक ये कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लो हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो ये भी इसने एक हायर लो ही बनाया इस लो के नीचे नहीं गया है तो अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव साइड ही ज्यादा काम करना है यानी इवन आपको किसी को रिस्क लेना है तो वो यहाँ पे क्या कर सकता है जैसी अगर निफ्टी दोबारा क्या रहता जाता है तो एक थोड़ी सी आगे एक महीने की या दो महीने आगे की आप एक कॉल खरीद के होल्ड करो टिल जब तक निफ्टी 11350 के ऊपर एक नया टारगेट हिट नहीं करते थे यानी 11400, 11,450 इस लेवल तक नहीं चला जाता तब तक आप उसको होल्ड करो जब चला जाए अपना प्रॉफिट बुक कर लो सिंपल सी चीज है तो मार्केट में क्या है आपको पॉजिटिव साइड ज्यादा काम करना है अभी जब तक मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है फर्स्ट इंडिकेशन आपको ओवरऑल ट्रेंड का रिवर्सल का मिलेगा जब मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगेगा यानी अभी इसने निकाला है इसके नीचे ट्रेड नहीं किया है जब इसके नीचे ट्रेड करने लगेगा तो पहला इंडिकेशन मिलेगा कि मार्केट में अब ज्यादा वीकनेस रहेगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल वीकनेस ये जो वीकनेस होती है ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आती है जो ऊपर हायर लेवल पे कोई ना कोई करना चाहता है क्योंकि शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न बन रहे होते हैं तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो मार्केट कोई स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता मार्केट ऊपर जाएगा कंसोलिडेट करेगा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा फिर मार्केट कंसोलिडेट करेगा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा इस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है तो आपको ये पैटर्न ही समझना है कि मार्केट कैसे ऊपर जाता है कहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट सपोर्ट है कहाँ पर रेजिस्टेंस है कितना मार्केट चल गया कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है ये प्रिडिक्ट करना आपको आना चाहिए जब तक आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तब तक आपको ये दिक्कत रहेगी जब मार्केट ने फर्स्ट ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको इंडिकेट किया था कि मार्केट शुड गो अराउंड टेन थाउजेंड एट फिफ्टी कंटिन्यूसली मार्केट गिरा इस जगह इंडिकेट किया था इस जगह जब मार्केट गिरा दो सौ अस्सी और तीन सौ पे ट्रेड कर रहा था तब क्यों क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख जाता है कि एक ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट फेलियर हुआ यहाँ पे फेलियर हुआ इसका मतलब क्या है कि ऊपर के लेवल पे कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर नहीं जा पाया और ब्रेकआउट फेलियर हो गया तो जो पोजीशंस थी वो भी एग्जिट होंगी और प्लस जो न्यू शॉर्ट क्रिएट होंगे वो भी मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे तो ये एक इंडिकेशन मिला अब यहाँ पे क्या हुआ है इसने इंपॉर्टेंट लेवल फिर ग्यारह को निकाल दिया तो सिंपल दीजिए ग्यारह के स्टॉप लॉस से आप इसको निफ्टी को लॉन्ग कर लीजिए लॉन्ग कर लीजिए ग्यारह के नीचे जाए अपनी पोजिशन को स्क्वायर ऑफ कर दीजिए नहीं जाएगा तब तक आप अपनी पोजिशन को होल्ड करिए टिल 11,400 के टारगेट के लिए तो 300 पॉइंट की यहाँ पर रैली आपको मिल सकती है उसमें अगर आप कोई भी ऑप्शन खरीदोगे तो आराम से 100 से 120 पॉइंट कमा सकते हो तो एक लॉट खरीदोगे कितना इन्वेस्टमेंट लगा 15 से बीस हजार अगर 100 पॉइंट भी मिल गया साढ़े सात हजार का प्रॉफिट हो गया तो आप थोड़ा सा लंबा सोचो ना कि हाँ यार मेरे को मंथ में कितना चाहिए यार पंद्रह हजार बीस हजार चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी ट्रेड डालता हूँ और फिर उसमें मैं प्रॉफिट बुक करूंगा क्या आप हजार हजार करके तीस हजार बीस कमा, हजार कमाने की कोशिश कर रहे हो एक महीने में थोड़ा सा अपना जो प्रॉफिट का जो दायरा है उसको बढ़ाओ छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने से कोई फायदा नहीं होगा कोई भी कभी भी आप एक अच्छे प्रॉफिट पे नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि आपने प्रॉफिट का कैप ही लगा रखा है हर कोई हर दिन ट्रेड करके पैसा नहीं कमा सकता तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि मार्केट का नेचर और बिहेवियर कैसा है उस बिहेवियर को यूटिलाइज करो और प्रॉफ़िट कमाओ भले हफ़्ते में एक दिन ट्रेड करो लेकिन मार्केट के बिहेवियर को समझो जिस दिन आपका फेवरेट दिन हो और आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यहाँ से मार्केट रिवर्सल कर सकता है तो यहाँ मैं अपनी पोजीशन बनाऊंगा तो उस पोजीशन को बनाओ और उस पर टिके रहो भले महीने में एक ट्रेड डालो तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों तो ऑप्शन चेन में मैंने आपको बता दिया कि अब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा इस पर्टिकुलर सीरीज का वो ग्यारह का होगा और बैंक निफ्टी में आप ध्यान रखिए कि इक्कीस पाँच सौ निकलेगा तो इक्कीस पाँच सौ के बाद एक अच्छी रैली बन सकती है करीब तीन सौ चार सौ पॉइंट की फर्दर की तो जो नेक्स्ट हर्डर बैंक निफ्टी के लिए वो इक्कीस आठ सौ का है फिलहाल हम इक्कीस पाँच सौ के पास ट्रेड कर रहे हैं तो ऊपर ये निकलने में आप देख रहे हो इक्कीस पाँच सौ के ऊपर नहीं टिक पा रहा है तो अगर ये निकल जाता है टिक जाता है तो तीन सौ पॉइंट से रह के चार सौ पॉइंट की रैली इवन पाँच सौ पॉइंट तक की रैली बहुत आसानी से हो सकती है तो बैंक निफ्टी पर आप ज़्यादा फोकस करिए निफ्टी पे थोड़ा सा आप कम फोकस करिए क्योंकि निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है ग्यारह हज़ार दो सौ और ग्यारह हज़ार सौ के बीच में लेकिन बैंक निफ्टी में जगह है और बैंक निफ्टी का इवेंट है क्रेडिट पॉलिसी तो इसमें एक बड़े मूव दे सकता है ये थोड़ा सा भी नेगेटिव नेगेटिव आएगा तो नीचे गिर सकता है थोड़ा सा भी पॉजिटिव आएगा तो शूटअप बहुत अच्छा कर सकता है ये क्योंकि जगह है बहुत अच्छी चलने की सीधा सीधा तेईस हज़ार 200, 300 तक के टारगेट तक जा सकता है तो इस पे जरूर नजर रखिएगा करेंटली डाउ फ्यूचर की बात करें तो ये भी ऊपर से थोड़ा सा ये नीचे आया है आप देख सकते हो तो नेगेटिव निशान में काम काज कर रहा है बट ऐसा कोई यहाँ पे सिग्नल नहीं है कोई कोई पर, पर्टिकुलर ब्रेकडाउन आया है यहाँ पे ब्रेकडाउन इसने नहीं दिया है तो इस, इंडिकेट कि ये भी अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड में है तो ऊपर की तरफ जा सकता है इजीली तो नज़र रखिएगा इस पर भी हालांकि टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड शेयर है वो तो उनका तो ड्रीम ड्रम सा चल रहा है नेस्टेक नया लाइफ टाइम हाई के नियरेस्ट ही ट्रेड कर रहा है और कंटिन्यूसली अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है जब तक मार्केट में लिक्विडिटी है तो आप इस लिक्विडिटी का फ़ायदा उठाइए और कंटीन्यूसली जो मोमेंट चल रहा है इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधी लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों जय हिंद